आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने के निर्णय का किया अभिनंदन। कहा, उत्तर प्रदेश के समस्त लाभार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने की वैक्सीनेशन की समीक्षा। शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। कोरोना से जंग में बेहद प्रभावी साबित हुआ ट्रस्ट टेस्ट और ट्रीट का हथियार। 24 घंटे के दौरान नए संक्रमण के मामले सिर्फ 700। अब महज गोरखपुर, लखनऊ और मेरठ तीन जिलों में ही सक्रिय रोगियों की संख्या 600 से ऊपर। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। गुलरिया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, हुए गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, भटहर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र में हुई लूट की घटना में थे शामिल। गोला थाना क्षेत्र में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की चाकू से गोद कर की हत्या। महिला के शव के पास ही बैठा रहा आरोपी चाकू लेकर हुआ गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलिया खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। खरीफ फसल के लिए किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा, किसानों को समय से मुहैया कराएं खाद बीज। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा क्षेत्रीय समिति की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर पोस्ट कोविड सेंटर चलाने पर हुई चर्चा। कहा, अभियान चलाकर दूध सब्जी वालों का पार्टी कराएगी वैक्सीनेशन। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाया अलग से पिंक बूथ। सीएमओ ने कहा, पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। 108 महिलाओं ने कराया टीकाकरण। कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 लोगों को अपराधियों से बचाव के साथ उपलब्ध करा रही है जन सुविधा। एसपी ट्रैफिक ने कहा, पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर में सोमवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,020। अब तक 780 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 620 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। चार सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में मौजूद है प्रचुर मात्रा में ब्लड। रक्तदान शिविर में लोग कर रहे हैं रक्तदान। मंडल सहित आसपास के थैलेसीमिया मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है ब्लड। जिला ब्लड बैंक प्रभारी ने दी जानकारी। सोमवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 68 बूथों पर 11,793 लोगों ने कराया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, वैक्सीन की नहीं है कमी, अवश्य कराएं टीकाकरण। और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से ऊपर होने के कारण जिले में सोमवार को भी लागू रहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू। एसपी सिटी ने कहा, बैरिकेटिंग कराकर पुलिस करा रही है कर्फ्यू का पालन।